हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल सम्राट अकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं इसमें लॉकडाउन सीरीज करा रहा हूं और लॉकडाउन सीरीज में मेरा पांचवा आज है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक से लेके चार तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट लॉकडाउन सीरीज का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से देख सकते हैं, या तो चैनल पर लॉकडाउन सीरीज से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर देखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन सीरीज में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो कराता हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे होते हैं और जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला दोस्तों, कि वह संख्या जिसे 4² / 9² के अंश और हर दोनों में जोड़ने पर भिन्न 4/9 हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि वो संख्या बताइए कि जो 4² / 9² में अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाता है, 4/9 हो जाता है। तो क्या जोड़ू, तो चलिए अभी हमको संख्या नहीं मालूम थी इसलिए मैं x जोड़ रहा हूँ। तो अगर दोनों संख्या में x में जोड़ दूं तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4/9। ठीक, तो यहां से 4² कितना हो जाएगा, 16 + x और 9² 81 + x बराबर कितना हो जाएगा, 4/9। आप क्या करना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से आप करते हैं तो 16 कितना होता है आपका, 144 और प्लस 9x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 81 × 4 = 4 8 × 32 324 और प्लस 4x। ठीक है, 9x इधर है, अगर प्लस 4x को इधर लाऊं तो माइनस 4x बराबर 324 माइनस प्लस 144 उधर जाएगा तो माइनस 144 हो जाएगा दोस्तों। तो 9x में से 4x घटाएंगे कितना बचेगा, 5x बराबर यहाँ से 324 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 180। तो x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180/5। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30। तो x बराबर 36, मतलब x बराबर 36 आ गया। अगर 4² / 9² में अगर मैं 36 जोड़ दूं तो 4/9 रेशियो आएगा। ठीक है, चलिए अगर इसे चाहें तो आप सीध करके भी देख सकते हैं क्या आएगा कि नहीं। जैसे कि 4 × 16 आ गया, 9 × 81 आ गया, अगर इसमें मैं 36 यहाँ पे भी जोड़ देता हूँ, 36 यहाँ पे भी जोड़ दूंगा तो 6 × 12 3 × 4 = 5 हो जाएगा, 6 × 1 = 7 हो जाएगा आपका और 8³ = 11 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप कटाते हैं तो 13² = 12 और 13² = 117। देखिए रेशियो आ गया कि नहीं, 9/4। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि जो आप आंसर लाए हो सही है कि नहीं है। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि जब x को 21 / 22 / 60 / 64 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो संख्या x + 1 / 7 x + 8 का मध्य अनुपातिक होगा। तो चलिए देख लेते हैं, प्रत्येक में से x घटा रहा है, यहाँ पे 21 / 22 दिया है, अनुपात कितना हो जाएगा, 21/22 60 / 64 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 60/64। ठीक, कह रहा है कि x घटाना पड़े, इसमें से भी x घटा रहा हूँ और इसमें से भी x घटा रहा हूँ, ये दोनों बराबर हैं। अब करना क्या दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि आपस में गुणा करना पड़ेगा, तो काफी लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं आपको एक विधि बताता हूँ, योगातरानुपात एक जबरदस्त विधि होती है, बस सिंपल आप इससे सॉल्व कर पाएंगे। अब करना क्या होता है कि पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 = 3 हो जाएगा और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और -x - x को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2x। और नीचे क्या होता है कि दोनों संख्याओं को आपको घटाना होता है, मतलब इन दोनों संख्याओं में से घटाएंगे, 22 में से 21 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 1 बस। इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे करेंगे तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 और 6 × 12 124, इसे जोड़ेंगे -x - कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 4। आप सिंपल करना क्या आप दोस्तों कि आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तब यहाँ से आप करेंगे यहाँ से इसको तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 16 = 17 172 − 4² कितना हो जाएगा, 8x और बराबर 1 की मल्टीप्लाई इतना करेंगे तो उतना ही होगा, 124 - 2x। सिंपल करना आपको यह है कि यहाँ पे -8x है, यह -2x इधर आएगा तो +2x बराबर 124, या +172 इधर है माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा, -172। अब घटाएंगे -8x में से +2x घटाएंगे कितना होगा, -6x बराबर, और देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस आगे तो घटेगा तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, 8 × 4 = 12 यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 4 = 48 हो गया, और बड़ा वाला साइन लगेगा तो -48, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 से 6 × 8 = 48। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, x बराबर 8। अब हमसे पूछा यह चीज है कि जो दो संख्या x + 1 दिया और 7 x + 8 दिया, इन दोनों का क्या निकालना है, मिड रेशियो निकालना है, मिड और मतलब मध्य अनुपातिक निकालना है। तो चलिए पहले x का वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, और x का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7/6
56 और 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से निकल गया 9 और यहाँ से निकल गया 64। इन्हीं दो संख्याओं का मध्य अनुपातिक निकालना है। तो मध्य अनुपातिक मिड पॉइंट निकालने के क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 9 और बी का वैल्यू कितना हो गया 64। तो यहाँ से निकल जाएगा 3 और यहाँ से निकल जाएगा 8, तो 8 तरीके 24। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 24, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि रोहित और काजल के वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है 17 है। उनके आयु के बीच का अंतर कितना है 17। यदि उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। तो रोहित की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए जो रोहित से कितने वर्ष बड़ी है 28 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि 8 वर्ष बाद रोहित और काजल की आयु का अनुपात कितना है 2:1, और उसी समय उनकी आयु का जो अंतर है एक रेशियो अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है तो 17 वर्ष आ रहा है, ठीक है। ये 8 वर्ष बाद का रेशियो 2:1, उनकी आयु का अंतर 17 वर्ष, ठीक है। तो 17 वर्ष निकल गया रेशियो, एक रेशियो बराबर 17। तो हम 8 वर्ष बाद रोहित और काजल की आयु ज्ञात कर सकते हैं कि वो कितने वर्ष के थे। तो 1:17 तो 2:17 दोनों के 34 वर्ष। उस समय 34 वर्ष का रोहित था और काजल कितने वर्ष की थी 1:17 तो 1:17 ये मान पूछा था कितना हो जाएगा 17 वर्ष, ठीक है। ये कब की आयु है 8 वर्ष बाद की आयु है। हमसे पूछा है इस समय कि वो आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु पूछा है कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए जो रोहित से 28 वर्ष बड़ी है। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है जो रोहित से 28 वर्ष बड़ी है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि 8 वर्ष माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्ष बाद का यह रेशियो है। तो 8 वर्ष अगर हम माइनस करते हैं दोनों में से, क्योंकि 8 वर्ष एक कम होगी तो ये भी कम होगा, तो यहां से कितना निकल जाएगा आपका 8×6=24। तो प्रेजेंट टाइम में 26 वर्ष का रोहित हो जाएगा और यहां से आपका 17 वर्ष में से अगर 8 घटा देता हूं तो 9 वर्ष की काजल हो जाएगी। तब प्रेजेंट टाइम में 26 वर्ष का रोहित हो गया और 9 वर्ष की काजल हो गई। उसी समय पूछ रहा है कि प्रेजेंट टाइम में रोहित की माँ की आयु जो है रोहित से कितनी वर्ष बड़ी है 28 वर्ष बड़ी है। तो 26 वर्ष का अगर रोहित है तो 26 में अगर मैं 28 जोड़ दूं तो 8×14 और कितना हो जाएगा 2×4 और 1×5, तो उस समय 54 वर्ष की उसकी माँ होगी। तभी तो 28 वर्ष बड़ी होगी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि 26 रहेगा तभी तो 28 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। तो पूछा हमसे दोस्तों कि उसकी माँ की आयु ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा 54 वर्ष, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी देख पाएंगे क्वेश्चन में, ये इसी क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर है 54 वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए जरूर और ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन यह है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल सवाल है, कह रहा है कि 60% में से अगर 60% में से अगर मैं 60 घटा दूं तो परिणाम कितना आता है 60। बस अब यहां से 60% बराबर कितना हो जाएगा 60, ये -60 उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा। 60% बराबर कितना गया 120। हमसे पूछा वो संख्या, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा 120×100 कितना 60। 60×120 100×200 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए बहुत सिंपल है। तो चलिए दोस्तों इसी साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि 2 भिन्नों का गुणनफल कितना दिया 14/15 तथा उनका भागफल कितना दिया 35/24। तो इनमें से बड़ी भिन्न है, इनमें से बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। 2 भिन्नों का गुणनफल, मान लीजिए कोई 2 भिन्न है x और y है, इनका गुणनफल कितना दिया है 14/15, ठीक है। और भागफल यानी x/y कितना दे दिया है 35/24। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 35y/24 हो जाएगा। अब करना हमें सिंपल है चीज दोस्तों कि इसी x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो अगर x की वैल्यू रखूं तो कितना हो जाएगा 35y/24×y = कितना हो जाएगा 14/15। 3×14 = 15, 7×14 और 7×5=35, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा यहां से अगर मैं वाई स्क्वायर की बात करूं तो 8×16 और 50=25, ठीक। तो अगर यहाँ देख लूँ वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू 4/5 आ जा रही है। तो सिंपल करना आपको यह चीज़ है
यहाँ पे वाई की वैल्यू रख दीजिए, तब एक्स बराबर 35 और वाई, वाई का वैल्यू कितना है 4/5 और बटे कितना हो जाएगा आपका 24 सॉरी गुड़े में यहाँ रहेगा ना ठीक। तो यहाँ से कटाएंगे तो 4 × 24 और 5 कटाएंगे तो 5 × 7 = 35, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 7/6। दोस्तों देख लेते हैं तो वाई बराबर कितना निकल गया 4/5 और एक्स बराबर क्या निकल गया 7/6। तो पूछा है कि इनमें से कौन भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो एक भिन्न आपका निकल गया 4/5, एक भिन्न निकल गया 7/6, तो इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है तो 7/6, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वह बड़ी भिन्न है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको बड़ी भिन्न, ये ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में फिलहाल दिया नहीं हूँ लेकिन ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 7/6, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने 5 क्वेश्चन बताया, 5 क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉकडाउन सीरीज लेके 6।